हाय फ्रेंड्स, मैं हूं ललित और आप देख रहे हैं आर एजुकेशन लर्निंग इंग्लिश। और आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही कंफ्यूजिंग वर्ड जैसे नियर नियरली, इजी इजली, हार्ड हार्डली, लेट लेटली। इन सभी वर्ड्स में क्या डिफरेंस होता है और इन्हें कब और कैसे यूज करते हैं आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। सो लेट्स स्टार्ट। हमारे फर्स्ट टू वर्ड्स हैं हार्ड और हार्डली। हार्ड और हार्डली दोनों ही एडवर्ब हैं, लेकिन दोनों के मीनिंग में डिफरेंस है। हार्ड का मतलब होता है पूरी ताकत से, पूरी मेहनत से, उत्साह के साथ। एग्जाम्पल देखते हैं। आई वर्क हार्ड मतलब मैं पूरी मेहनत से, पूरी ताकत के साथ काम करता हूँ। तो मैं कैसे काम करता हूँ हार्ड, यहाँ पे हार्ड का एक पॉजिटिव मीनिंग है। यू मस्ट ट्राई हार्ड, तुम्हें पूरी मेहनत से कोशिश करनी है, पूरी ताकत के साथ कोशिश करनी चाहिए। तो तुम्हें कैसे कोशिश करनी चाहिए, ट्राई हार्ड। यहाँ पे भी हार्ड एक पॉजिटिव मीनिंग देता है, जबकि हार्डली का मीनिंग होता है मुश्किलों से ही, ना के बराबर। चलिए एग्जांपल देखते हैं। आई हार्डली वर्क मतलब मैं मुश्किलों से ही काम करता हूँ। यहाँ पर हार्डली एक नेगेटिव मीनिंग देता है कि मैं काम वाम नहीं करता हूँ, मुश्किलों से ही काम करता हूँ। अगर मैं कहता हूँ आई वर्क हार्ड, ये पॉजिटिव मीनिंग देता है कि मैं मेहनत करता हूँ पूरी ताकत के साथ, पूरी ताकत के साथ काम करता हूँ। लेकिन आई हार्डली वर्क का मतलब है मैं मुश्किलों से ही काम करता हूँ। एक और एग्जांपल लेते हैं। शी स्टडीज हार्ड मतलब वह पूरी मेहनत से पढ़ाई करती है। और मैंने कहा शी हार्डली स्टडीज मतलब वह मुश्किलों से ही पढ़ती है, पढ़ती वढ़ती नहीं है। आई हार्डली गो आउट, मैं मुश्किलों से ही बाहर जाता हूँ। यहाँ पर हार्डली क्या कर रहा है, एक नेगेटिव मीनिंग देता है जिसका मतलब होता है मुश्किलों से ही, ना के बराबर। जबकि हार्ड का मतलब होता है पूरी उत्साह के साथ, पूरी मेहनत से, पूरी शक्ति से। लेकिन ये दोनों ही एडवर्ब हैं। सेकंड वर्ड है लेट एंड लेटली। लेट और लेटली ये दोनों भी एडवर्ब हैं, लेकिन इनके मीनिंग में डिफरेंस है। लेट का मीनिंग होता है देर से मतलब नॉट इन टाइम। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। He comes late मतलब वह देर से आता है, लेट आता है। You informed me late, तुमने मुझे देर से इन्फॉर्म किया मतलब तुमने मुझे टाइम पर इन्फॉर्म नहीं किया। तो यहाँ पर लेट का मतलब है देर से, नॉट इन टाइम। जबकि लेटली का मतलब होता है हाल ही में, रिसेंटली में। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। He came lately मतलब वह हाल ही में आया, रिसेंटली में आया है। You informed me lately, तुमने मुझे हाल ही में इन्फॉर्म किया मतलब रिसेंटली इन्फॉर्म किया है। तो यहाँ पर लेट का मतलब होता है देर से, नॉट इन टाइम, जबकि लेटली का मतलब होता है हाल ही में, रिसेंटली में। थर्ड वर्ड है नियर एंड नियरली। नियर एंड नियरली दोनों ही एडवर्ब हैं, लेकिन इनके यूज और मीनिंग में डिफरेंस होता है। नियर का मतलब होता है पास, समीप, नजदीक। माय होम इज क्वाइट नियर, मेरा घर काफी पास है, नजदीक है। आई एम नियर यू, मैं तुम्हारे पास हूँ, नजदीक हूँ। यहाँ पर नियर का मतलब है पास, समीप, नजदीक, जबकि नियरली का मतलब होता है लगभग, करीब करीब, मतलब ऑलमोस्ट बट नॉट कम्प्लीटली। चलिए एग्जाम्पल से देखते हैं। इट हैज बीन नियरली 5 months, लगभग करीब करीब 5 महीने हो गए हैं। आई हैव नियरली रेड एवरीथिंग, मैंने लगभग करीब करीब सब कुछ पढ़ लिया है। तो यहाँ पर नियरली का मतलब है लगभग सब कुछ, मतलब ऑलमोस्ट बट नॉट कम्प्लीटली। तो नियर का मतलब होता है पास, समीप, नजदीक, जबकि नियरली का मतलब होता है लगभग, करीब करीब। फोर्थ वर्ड है इजी एंड इजली। ये दोनों ही एडवर्ब हैं, चले इन दोनों के यूज और मीनिंग को जानते हैं। इजी का मतलब होता है आसान, मतलब नॉट वेरी डिफिकल्ट। चले एग्जाम्पल से देखते हैं। आई फाइंड दिस मेथड इजी, मुझे ये मेथड बहुत आसान लगता है, इजी लगता है। आई डोंट फील दिस क्वेश्चन इजी, मुझे ये क्वेश्चन आसान, इजी नहीं लगता। यहाँ पर इजी का मतलब है आसान, जबकि इजिली का मतलब होता है आसानी से। चलिए एग्जांपल समझते हैं। आई गॉट योर होम इजिली, मैं तुम्हारे घर पर आसानी से पहुंच गया। आई कैन अंडरस्टैंड इजिली, मैं आसानी से समझ सकता हूँ। तो यहाँ पर इजिली का मतलब है आसानी से और इजी का मतलब होता है आसान। आई होप आपको इन सभी वर्ड्स का मीनिंग और इनका यूज समझ में आ गया होगा, इन्हें कब और कैसे यूज करते हैं। इफ यू लव दिस वीडियो डू कमेंट, लाइक एंड शेयर। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, इट मोटिवेट्स मी।